हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आपके अपने चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और एक नए ब्लॉग के साथ सुबह की मैं फिर से शुरुआत करती हूं। नया ब्लॉग है, नए लोग भी होंगे, तो प्लीज़ जो नए मेरे व्यूअर्स होंगे ना, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली, और जो मूली की भुर्जी होती है ना, वो बनाने जा रही हूँ। और देखिए मेरा काटने का तरीका तो आपको देख ही रहे होंगे। मैंने लिया है ये जो दातरी होती है ना, जो जैसे पेड़ पौधे काटने वाली जो दातरी होती है ना, वो वाली है ये। तो उसके साथ और नीचे मैंने लिया है सिलवट्टा, जो कि हमारे यहाँ पे इसको कुंडा करके कहते हैं, आपके उधर पता नहीं कि वो क्या डोगरी वर्ड है हमारा ये। तो ये सिलवट्टा होता है, एक किस्म का गोल बनाया होता है, बीच में से आपको दिखाएंगे किसी दिन। अभी मैंने उल्टा करके रखा है ये, और उल्टे करके ऊपर से देखिए किस तरह से, मतलब जो भुर्जी बारीक हमें चाहिए होती है ना, अपने हिसाब से आप जिस तरह से काटना चाहो काट सकते हो। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी बारीक से मैंने काटा हुआ है इसको। मतलब अगर आप कोई चाकू से काटते हो ना, तो इतना मतलब काट तो सकते हो, लेकिन इतनी जल्दबाजी नहीं होती है, बहुत टाइम लगता है। लेकिन इसके साथ आप जितना मर्जी, मैंने फिर भी दरदरा रखा है ना, तो मैंने ज़्यादा बारीक किया और ना ही ज़्यादा मैंने मोटा। तो अभी देखिए सुबह के अभी बज रही है 5:30, और मेरा यहाँ पे 5 बजे उठी थी फ्रेंड्स मैं। और मैं सुबह कैसे उठती हूँ, कैसे मुँह वॉश करती हूँ, आज मैं वो वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था। मैंने फटाफट से बच्चों के उठने से पहले पहले ये काम तो मुझे करना था, जो साग वाला। मैंने फटाफट से अभी वॉश करके मैंने साग को चढ़ा दिया है कुकर के सीटियाँ लगने के लिए। जब तक 2-3 सीटियाँ नहीं लगेंगी ना, मेरा जो साग है वो रेडी नहीं होगा। यहाँ पे उजाला भी होने को आ रहा है, 6:30 का टाइम हो रहा है अभी, क्योंकि हमने फिर दूध दिया था मैंने बच्चों को, साथ में हमने बैठ के पी थी चाय, उसके बाद ही मैंने बर्तन साफ़ करने आई। और मेरे यहाँ पे बर्तन साफ़ हो गए थे, तो मैं उसके बाद अभी लगाने जा रही हूँ तड़का, क्योंकि तड़का मैं इसलिए लगा रही हूँ अभी जल्दबाजी में, क्योंकि लाइट कभी भी जा सकती है। 8 बजे तक तो लाइट चली जाती है हमारे यहाँ पे, तो मुझे अभी इतनी जल्दी नहाना नहीं है, क्योंकि अभी गाय को मैं बाहर नहीं निकाल सकती सुबह जल्दी, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। तो अभी गाय माता मतलब गर्भवती है ना, तो उनको इतनी जल्दी बाहर निकाल के मतलब बहुत ठंडी लग जाएगी, तो मैं उनको थोड़ा सा लेट निकालती हूँ, जैसे धूप थोड़ी सी निकलती है ना तब निकालती हूँ। और मैं जल्दबाजी नहा भी नहीं सकती, क्योंकि तब तक गोबर का काम ख़त्म ना हो जाए ना, तब तक नहाने का मन नहीं करता है। तो जब गोबर का काम ख़त्म हो जाएगा फिर ही मैं नहाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने जितनी भी, मैंने सोचा कि मैं तड़का लगा लेती हूँ, बच्चे सोए हैं, बच्चों के सोते सोते मेरा ये वाला काम ख़त्म हो जाए। बर्तन मेरे रह जाते हैं आजकल, पता नहीं क्या चक्कर है, दिन कम होता है, काम बहुत ज़्यादा होता है, तो उसी के चक्कर में ना शाम को बच्चे जल्दी परेशान करना शुरू कर देते हैं। और मैं फटाफट से खाना वगैरह देती हूँ उनको, और बर्तन साइड पे बाहर ही रख देती हूँ, किचन में मैं बर्तन नहीं रखती हूँ, साइड पे रख कर उनके ऊपर मैं टोकरी रख देती हूँ उल्टी करके, ताकि जो जो है ना बर्तन, उनको कोई मतलब जैसे कुत्ते वगैरह आते हैं तो वो उनको नाश होंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए मेरी जो भुर्जी है ना, एकदम अच्छे से मतलब बॉइल कर ली है मैंने। इसका पानी हम अभी छान लेंगे, या तो छान लीजिए, या तो जैसे मैं अभी इसमें से पानी निचोड़ निचोड़ के निकाल रही हूँ ना, आप भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो हाथों से ना बहुत ही अच्छे से आप लड्डू बना सकते हो, उसके गोल गोल, मैंने मेरी तरह लड्डू बनाकर आप एक बार भुर्जी ज़रूर बनाइएगा। और भुर्जी इतनी टेस्टी बनी थी ना कि मैं बता नहीं सकती, जो वीडियो मेरी रिकॉर्ड होती है ना ये बाद में ही होती है, लेकिन सच बता रही हूँ बहुत ही अच्छी टेस्टी बनी थी भुर्जी, और बिल्कुल भी कड़वी नहीं थी, ठीक है। मूली का पत्ता अगर आप ऐसे खाओगे ना सब्जी बनाकर, वो बहुत ही कड़वा लगता है, लेकिन इस तरह से बनाओगे ना तो कभी कड़वी नहीं लगेगी। तो मैंने अच्छे से मसाला पेस्ट बना ली थी, जो भी आपको ऐड करने हैं, चाहे मसाले हो, चाहे वो जो टमाटर धनिया कुछ भी डालो। इसमें मैंने ना थोड़ा सा वो डाल दिया था लहसुन की, जो ऊपर पत्ते होते हैं ना हरे वाले पत्ते, वो काट के मैंने थोड़े से डाल दिए थे, और उससे इतना स्वादिष्ट आता है कि आपको लहसुन डालने की तो ज़रूरत ही नहीं होती है, तो वो अपना ही अलग टेस्ट देता है। और यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से इसको मतलब मैश करके बीच में मतलब मसाला जो है ना मिक्स हो जाना चाहिए, थोड़ी देर के लिए इसको और पकाएंगे और हमारी जो सब्जी है वो बिल्कुल रेडी है। तो अभी मुझे जाना है काउ पास, क्योंकि इसका मेरा सब्जी वाला काम टेंशन फ्री हो गई हूँ अभी मैं यहाँ से, अभी मुझे सिर्फ रोटी बनानी है, वो भी मक्की की रोटी।
तो उसके साथ आज दही भी चलेगा और साथ में मेरी रात की मूंगी की दाल पड़ी हुई है तो वो भी थोड़ी थोड़ी सर्व कर दूंगी जब खाना खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी मेरी जो सब्जी है एकदम देख सकते हैं आप कितनी अच्छी सी मतलब मिक्सअप हो गई है। तो अभी मुझे जाना है नीचे कऊ पास, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। साथ साथ में मैं अपने जो डॉगी है उनको भी लेते चलूँगी नीचे की तरफ, तो इनका भी काम ना साथ साथ में ही मतलब जो ख़त्म हो जाता है, नहीं तो मुझे इनको बाद में अलग से निकालना पड़ता है। तो आज का मौसम देख सकते हैं फ्रेंड्स, धुंध पड़ना शुरू हो गई है मतलब इन दिनों, और सर्दी हाय हाय है बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो गई है फ्रेंड्स। और मुझे ना इतने ज़ोर से बोलना पड़ रहा है वीडियो में क्योंकि मेरी गले की आवाज़ बिल्कुल डाउन है, फिर भी मैं इतने आवाज़ लगा के आप सबके लिए वीडियो बना रही हूँ। और बाहर वहाँ पर देखिए एक धुआं सा दिख रहा होगा आपको, वो पानी का धुआं है भाई, पानी गर्म पानी आता है ना उसका धुआं है। तो यहाँ पे देखिए अभी मेरे डॉगी जो है ना आ गई है और थोड़ी सी मस्ती वगैरह की है इन्होंने और अभी इनको अंदर जाने का मन नहीं हो रहा है। देखिए अभी मैं इनको बोल रही हूँ अंदर चलिए, लेकिन एक ही गया, बाकी वाले तो सुन ही नहीं रहे हैं। अभी इनके पीछे थोड़ी सी मुझे भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, फिर जाके अंदर करूँगी इनको। तो चलिए फटाफट से इनको फटाफट से अंदर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स डॉगी को अंदर करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने काउ शेड में, और काउ शेड में मैंने गाय को जस्ट अभी निकाला है। और देखिए इन्होंने ना मतलब जो पराली है ना बहुत ही जो है बर्बाद करती है ये पराली, इन दिनों इनका मन नहीं करता है कुछ खाने का। अभी सर्दी कम है ना, जब धुंध वगैरह ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाएगी ना तो तब ये ज़्यादा खाएंगे। अभी मैंने थोड़ी सी डालती हूँ लेकिन फिर भी बर्बाद बहुत ज़्यादा करती हैं। तो यहाँ पे मैंने इकट्ठा करके इसलिए रख दी हूँ पराली को, क्योंकि रात को जब गाय को अंदर बांधती हूँ ना मैं, तो इसको थोड़ा सा जला देती हूँ ताकि थोड़ी सी गर्माहट सी बन जाती है, टेम्परेचर जो है हाई हो जाता है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है ताकि इसको पूरी रात ठंड ना लगे, ठीक है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है शरीर। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं जो गोबर की पाथी लगा रही हूँ, क्योंकि गोबर आज थोड़ा सा अच्छा था इनका, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत पाथी वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि पाथियाँ भी वगैरह ख़त्म हो जाती हैं सर्दियों में काम आती हैं, जैसे आग वगैरह जलानी हो ना तो एक लकड़ी भी लगाओ तो उसके साथ दो तीन पाथी लगा दो तो आपका खाना जो है बन जाता है। तो पाथी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई हमारे घर में। तो आगे दूध भी होने वाला है, तो दूध जब होगा तो तब पाथी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमारे यहाँ। तो उसके बाद चलिए फ्रेंड्स अभी देखिए मेरा जो है गोबर इकट्ठा मैंने कर लिया, और इसकी मुझे ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि फ़ोन को उठाना पड़ता है ना, तो इसलिए मैं इसके साथ हाथ गंदे नहीं करती हूँ और इसके साथ उठा लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अभी देखिए मैंने गोबर साफ़ कर दिया है, तो अभी मुझे हैंड वॉश करने जाना है, मैं वहीं पर जाऊँगी, थोड़ा सा वहाँ का व्यू भी दिखाऊँगी आपको। तो मेरी गले की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो गर्म पानी मैं दिन सुबह शाम में ले रही हूँ, और आज तो नमक के पानी के साथ जो गरारे वगैरह होते हैं वो भी किए थे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो चलिए आपको मैं लेके चलती हूँ वहाँ पे। ओए ये देखिए यहाँ से जा रही हूँ मैं, ये देखिए फ्रेंड्स ये पानी ना बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इतना गर्म पानी है कि आप इसके साथ नहाओगे ना तो ठंडी नहीं लगेगी। तो चलिए मैं हाथ वॉश कर लेती हूँ फटाफट से। तो फ्रेंड्स मैंने अपने हाथ साफ कर लिए हैं, और ये पानी अभी देखिए देख सकते हैं नीचे जा रहा है इस तरफ, ये
घर पे आके और